माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास ये तीन डक्स हैं, इनमें से दो नर हैं एक मादी है। इसकी पहचान होती है इनकी दुम से। ये देखे ना, कर्व है इसके एक पंख पे, इसके पंख पे भी कर्व है, और उसका प्लेन है एस। वो मादी हुई और ये दो नर हुए। तो ये छोटी फैमिली है, तो हमने इस फैमिली को बढ़ाने की कोशिश की है, कोशिश नहीं की बल्कि बढ़ा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास हैं तीन मादी डक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, सरप्राइज। निकलो जी, निकलो, ओ निकलो, ओ निकलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक जैसी फौज होगी तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे पास अब 6 पीस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखा है, मैं अपना जलवा दिखाना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आए आए आए, पता नहीं लड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो लीजिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 6 डक्स हो गई, और इसके अलावा वाइट डक्स जो हैं वो बाहर हैं, वो 5 हैं। उनका अगर एक नर आ गया, वो भी 6 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये खुश हैं जी। तो अभी जो नई आई है ना, ये होंगी भूखी, तो इनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। ख्याल से पानी में दाने डाल के देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो चलो। हाँ, वो ये खाओ खाओ खाओ। वो अभी नई है ना, तो वो शर्मा रही हैं। चलो चलो चलो, इन्होंने पहचान लिया। अरे शोर ना करो। ये वाइट जो है ना, बहुत ही तेज़ हैं, बहुत ही समझदार होती हैं। कोई भी नया बंदा अंदर आता है ना, तो इन्हें पता चल जाता है। तो अभी डक्स को उन्होंने पहचान लिया कि ये नई आई है, शोर करना शुरू कर दिया। वो पानी में जाओ ना, तंग करो तुम ना तंग करो। ये वैसे भूखी हैं, इनके पेट बिल्कुल खाली है। इनको दूर अंदर जाओ। चलो 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 चलो। बहुत ही तकलीफ है। चल, सिर्फ हमारी छोटी डक्स रह गई हैं। चलो जी, ये शुक्र है कि इनकी लड़ाई नहीं हुई, ये आपस में सच है। ऐसी है जैसे ये इकट्ठी रहा करती थी या रहती है, वो हमारे वाले और ये नए वाले। वो तंग कर रहे हैं और ये तंग हो रहे हैं। चलो चलो चलो। तो इंशाल्लाह आज ही जान पहचान हो जानी है इन्हों की। सो वो इन्होंने नॉर्मल होके घूमना फिरना है, और बाकी वाइट डक्स जो हैं उन्हें एतराज़ है इन पे, बाकी किसी को नहीं एतराज़। बाकी तो शायद उन्हें लगे कि ये बस एक जैसे ही हैं सारे, लेकिन इन्हें पता है कि घर यही है हमारा। ये देखें इनके पेट ना, ये अंदर को गए हुए हैं, भूखे हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास 6 लिटल डॉग्स हो गई, 6 डॉग्स हो गई हमारे पास, छोटी डॉग्स अल्हम्दुलिल्लाह। ओए चलो भागो, बहुत एतराज है इन्हें। आज ऐसा करेंगे कि ये 6 की 6 लिटल डॉग्स जो है ना, इन्हें हम पिंजरे में बंद कर देंगे, ताकि इनकी आपस में जान पहचान हो जाए, और बाकी भी आदि हो जाएंगे एक दो दिन में इंशाल्लाह। ज़्यादा ये डक्स वाइट वाली ही कर रही हैं, शोर करती हैं और इनके पीछे भागती हैं, और ये देखा परेशान परेशान है। तो पिंजरे में रखते हैं और उसी में हम दाना पानी इनको देते हैं। आज रात पिंजरे में रहें, बाकी सुबह घूमेंगी फिरेंगी, और इनको भी आदत हो जाएगी, जान पहचान हो जाएगी एरिया की, सब कुछ हो जाएगा। ये बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। देखो लंबी लंबी गर्दन आ रही, सांप बन के गर्दन ही दबोच लूंगा। चलो भागो। ये एक लहरी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। चलो शाबाश छत पे। चलो ये गया, चले भी जाओ। इसके और भी साथी हैं। ओ भागना नहीं, भागना नहीं, बहुत सारे हैं यार। बाकी ये लकड़ियों के पीछे चले गए हैं, एक ये पानी की गैलन के पीछे, ये छुप के दाने खा रहा है माशाल्लाह। थोड़ा दाना डाला है, उन्होंने खा लिया, उनके पेट जो अंदर लगे हुए थे ना, वो भर गए हुए हैं, और उनको अब फिक्र कोई नहीं
आराम से एक मिनट में तो ये इनका पेट भर जाता है, इतनी स्पीड से ये खाती हैं। अभी ये फ्रेश हो गए ना ये तीनों की तीनों, बस अपने पर जो हैं वो खजाने में मसरूफ़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट पूरा हो गया। लीजिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद बारिश जो है वो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, फ्रोक है तो फ्रोक कुछ नहीं कहता, फिर रुक गई है यार। आजकल की बारिश भी ना हुई है। ये देखें दरवाजे पे, वो खंबे पे भी देखें, ये आवाज़ आई है लहरों की तरह आती है जाती है, पता नहीं क्या करती है। अभी फिर से रुक गई है, कहीं हो रही है आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो गया। और लो जी बारिश फिर से आ गई, ओ फातिमा भी आ गई, और बारिश अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ हो चुकी है, बहुत ही तेज़। ये देखिए आपने बारिश में नहाना है, चले नहा लें। नहीं यार ठंड लगेगी, अभी से ठंड लगना शुरू हो गई है। मोहम्मद सोया हुआ था, उठ गया, क्यों नहाना है, मज़ा आता है। अभी माशाल्लाह इधर बारिश हो रही है, यहाँ पे चटाई पे बैठ के हम खाना खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश जो है ना थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको पता है हमारा छत जो है वो डलने वाला था, बस उसका मुझे परेशानी है कि जितना भी पानी उस पर पड़ा है ना वो सारा का सारा अंदर गया, और ये हवा तंग करेगी माइक को, वो परेशानी है, बाकी तो सब ईजी है। तो जाके देख लेते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि थोड़े वक्त में ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है। आजा मार्शल ठीक है, ये भी आजा 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 आजा, अस्सलाम वालेकुम, शाबाश। बाहर इतना पानी खड़ा है, अंदर पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। अल्लाह अकबर, शख्स हमारी मज़े कर रही हैं अपनी जगह पे, यहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा हो गया क्योंकि हमने सीवरेज जो है वो तब्दील की हुई है। तो बस ये रास्ता हमें थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा इधर से इधर को, तो ये हमारी सीवरेज होगी रवा, ये पानी सारा का सारा निकल जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ ले जाना शुरू हो इधर से भी इधर को, ओके ये हो गया ओके। अब अंदर देखना है कि अंदर क्या सीन चला, पानी के छींटे जो है ना अंदर तक आए हैं। हमारा फ्रेंकी का घर जो है ये भी गीला हो गया, यहाँ तक आए हैं, और इधर सारा मसला ख़राब हुआ। ये देखा ये सारा पानी गिर रहा है अभी भी यहाँ से, ऊपर देखना पड़ेगा ऊपर क्या चक्कर है, पर खैर इतना है तो नहीं रोला अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पानी ना हमारा वो पाइपलाइन के ज़रिए ना पाइप के ज़रिए चला गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बचत हो गई है जितना मुझे डर था ना। एक तो बारिश बहुत तेज़ आई है, अगर हल्की हल्की आती रहे ना तो सारा का सारा पानी अंदर ही जाना था। तेज़ बारिश आई है, पानी वहाँ पे ज़्यादा हुआ है और वो बह गया है पाइप के रास्ते। बाकी ये पानी है ये भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं ओके कुछ नहीं हुआ, मेरा तो ध्यान पड़े ही नहीं क्योंकि यहाँ पर सेटिंग नई नई की है ना, तो पानी जा चुका है मोर के घरों के अंदर, यानी मोर के घर के अंदर। तो क्या करेंगे हम, मोर और मोरनी को आज़ाद कर देंगे। आ जाओ भाई बाहर आ जा, सारा पानी यहाँ का इस एरिए का मोर के घर के अंदर चला गया हुआ है, क्योंकि ये जो है ना इसके अंदर मिट्टी डलने वाली है, तो इंशाल्लाह कल या परसों तक मिट्टी डाल देंगे। फ़िलहाल मोर और मोरनी बाहर ही घूमें फिरें, ये सबके साथ मिल के रह सकते हैं। आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बाल्टी भर भर के मैंने मोर और मोरनी के घर से पानी निकाल दिया है, और मोरनी और मोर को आज़ाद भी कर दिया है। अब ये घूमें फिरें मज़े करें मौज, इन्हें कुछ नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इस साइड से बादल आए थे, अब इधर को चले गए हैं, यानी थोड़ी ही देर में ऊपर का मौसम सारा साफ़ हो जाएगा। बस बारिश जितनी होनी थी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी, क्योंकि बादल जो है ना अब इधर चमक रहे हैं, इधर चले गए हैं, और तेज़ बारिश आई है, थोड़ी देर में पानी पानी हो गया। मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी 6 की 6 बतखें जो हैं ये निकल आई हैं बाहर, इनमें सुलह सुलूक हो गया। रात को तो जो नहीं आई थी उन्हें मैंने बंद कर दिया था पिंजरे में ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, और रात को मौसम भी ख़राब रहा है। और एक और चीज़, एक नई चीज़ का पता चला है कि हमारे बटेर जो हैं उनकी आँखें ख़राब होती हैं ना, वजह मालूम हो गई है कि किस वजह से होती हैं। देखो कुछ तो सही हैं कुछ ढीले ढाले हुए हुए हैं, तो क्या है कि हम ना इन्हें बाजरा खिलाते हैं, बाजरा होता है गर्म, और उस वजह से इनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो इन्हें देना होता है मिक्स दाना, अभी मिक्स दाना ख़त्म हुआ है
तो जल्दी से साथ वाले गांव से मिक्स दाना ले आते हैं और फिर हम वो देंगे अपने बटेर को, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली फाइनली हमें दाने जो हैं वो मिल चुके हैं, मिक्स दाना। ये अंदर बतखों ने शोर डाल दिया, इन्हें पता चल गया ना मैं बाहर आ गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो देखो ये भाग रही है। माशाल्लाह जी, ये हमारी फौज तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टर्की गैंग में से वाइट टर्की जो है वो हमें नहीं मिली, वो गायब ही हो गई है। 3 से 4 दिन हो गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। और बाकी हमारी डकी गैंग जो है ना, ये बहुत शोर करती है। अभी ये 4 रह गई हैं, वो 5 हैं। एक वाइट आ जाएगी ना तो वो सेट भी पूरा हो जाएगा। बहरहाल रात की बारिश जो है ना वो बहुत तेज़ हुई थी, तो ये देखें पानी ही पानी खड़ा हो गया। इनके मज़े हो गए हैं, हमारी 3 जो हैं इनके भी, और ये जो नई 3 आई हैं ना इनके भी मज़े हो गए हैं। इधर पानी पानी है, पानी में ये खूब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और माशाल्लाह हमारी तीतरी गैंग जो है ना, ये भी बहुत एक्टिव हो गई हुई है। जो ये तेतरी मेतरी है ना, वाइट एंड ब्लैक, ये उड़ के दीवारों से अंदर भी चली जाती हैं और बाहर भी आ जाती हैं। वाइट जो हैं वो इतनी एक्टिव नहीं है जितनी कि ये ब्लैक एंड वाइट है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बंटी पब्ली कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अब खुशबाश रहती हैं। बड़ी डक्स जो हैं वो तंग नहीं होती, वो शोर नहीं करती क्योंकि आदत हो गई है। तो दिल लग गया है जी हमारी नई डक्स का अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।